हेलो स्टूडेंट्स मु अजित एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ऑफ एमकेडी एजुकेशन आपन मानको स्वागत करू छी आजरा क्लास को आजरा क्लास रे हम डिस्कशन करबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन उपरे ठीक अछि पोल्यूशन उपरे स्टार्टिंग करबा गुरु टाइप ऑफ पोल्यूशन स्टार्ट करबा गुरु हम बेसिक डिस्कशन करिनबा कोन हमर पोल्यूशन कोइल कहले हम कोन बुझिबा ठीक अछि पोल्यूशन हमर बेसिकली हम एमिति कहि परे नॉर्मल लोक को हम पचारियो पोल्यूशन कोन त हम कोन कहि परे ना हमर जो कंटामिनेशन हो छि एनवायरमेंट मीन्स हमर जो दूषित हो छि एनवायरमेंट हम तको कोन कहि परिबा ना पोल्यूशन कहि परे तार टाइप सेहि परे हमर डिफरेंट टाइप सेहि परिबो कोन एयर हेइ परिबो सोइल हेइ परिबो वाटर हेइ परिबो मैरिन हेइ परिबो नॉइज पोल्यूशन हेइ परिबो ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमर हेइ परे सेहि सब जिंस को हम स्टडी करबा आ से जो पोल्यूशन हो छि जो कॉज पई हमर पोल्यूशन हला बता जो एजेंट से पोल्यूशन को करू छि ताको हम कोन कहले ना पोल्यूटेंट्स कहले तो से जो पोल्यूटेंट्स हो छि गोटे बायोडिग्रेडेबल रहू छि आ गोटे नॉन बायोडिग्रेडेबल रहू छि ठीक अछि नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस हमर रेडियोएक्टिव रेज हे गला तो से सब जिंस हम अपन तक बायोडिग्रेडेबल करि परिबानी बट हम जो डोमेस्टिक यूज हो छि हम तक कोन कहू छि ना हम तक बायोडिग्रेडेबल भी हम तक करि परिबा से पोल्यूशन को तो से सब जिंस हम कोन करिबा ए पोल्यूशन चैप्टर हम केमिति डिस्कशन करिबा पार्ट पार्ट हिसाब रे हम सब पोल्यूशन रो एयर हो वाटर हो सोइल हो हम सब पोल्यूशन रो फर्स्ट डेफिनेशन देखिबा देन तार इफेक्ट देखिबा कोन रहू छि आ तार पोल्यूटेंट्स कोन कोन रहू छि आ देन हम तक केमिति कंट्रोल करि परिबा से सब जिंस को हम स्टडी करिबा ठीक अछि तो फर्स्ट क्लास हम कोन देखिबा ना एयर पोल्यूशन उपरे सो स्टार्ट करियो हमर फर्स्ट क्लास कोन ना एयर पोल्यूशन उपरे एयर पोल्यूशन कोन ना हमर एयर क्वालिटी हमें जत बेले त डिग्रेड कर दउ छे मींस हमर एयर क्वालिटी जत बेले कमी जाउ छी त तमे को कोन कहले ना एयर पोल्यूट हे गला ठीक अछि त से जो एयर पोल्यूशन रो कोन कॉज रहू छी कोन रहू छी से सब जिंस को हम स्टडी करियो बा मो एमिति कहि परियो हम त जदी त डेफिनेशन हिसाब रे हम जदी जिबा तारो एयर पोल्यूशन को कोन हम कहि परियो बा फिजिकली बा केमिकली बा बायोलॉजिकली चेंज हमर जहां भी आसीबो एयर रे ताको हमें कौन कहबा ना एयर पोल्यूशन कहबा जे कोनो से चेंजेस आसु फिजिकली हो बा केमिकली हो बा बायोलॉजिकली हो जे कोनो से चेंजेस आसु हमें ताको कौन कहबा ना एयर पोल्यूशन हिसाब रे हमें ताको कहबा त हमें ई सब जिंस रे एयर पोल्यूशन हमें कोन कोन डिस्कशन करबा फर्स्ट हमें डेफिनेशन देखिबा नेके नेक्स्ट हमें क्लासिफिकेशन देखिबा तार कोन रहू छी प्राइमरी और सेकेंडरी कंजप्शन कोन रहू छी देन हमें देखिबा तार इफेक्ट्स कोन रहू छी देन हमें कोन देखिबा ना कंट्रोल मेजर्स हमर हमें कोन कोन नै परबा जो एयर पोल्यूशन हो छी हमें ताको केमिति अवॉइड करि परबा से सब जिंस हमें देखिबा ए जिंस रे हमें एसिड रेन भी डिस्कशन करिबा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमें डिस्कशन करिनबा जोटा कि हमको बहुत ही दरकार पड़िबा हमर एयर पोल्यूशन चैप्टर रे ठीक अछि कने इंपैक्ट डिफरेंट क्वेश्चंस आसी जाय एयर पोल्यूशन तो डायरेक्ट पचारिबा व्हाट इज एसिड रेन आसी जीवो क्वेश्चंस और एल्स व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट आसी जीवो क्वेश्चंस तो ए क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पचरा हुए ठीक अछि से सब जिंस को आजर क्लास रे हमें डिस्कशन करिनबा क्लियर तो नेक्स्ट हमें जो फर्स्ट जो हमरो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को जो जाके मु बहुत इजीली कहली जोडा मन रखिया बोले ये तो हमरो डेफिनेशन गला बुक डेफिनेशन गला बट मन रखिया गेला हमें केमिति मन रख परिबा ना हमरो फिजिकली केमिकली बा बायोलॉजिकली जे कोनोसी भी चेंजेस आसुची एयर रे हमें ताको कोन कहि परिबा ना हमें ताको कहिबा एयर पोल्यूशन हिसाब रे तो ए जगह हमर कोन लिखि देला ना एयर पोल्यूशन डिफाइंड एज द ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सच क्वांटिटीज एंड ऑफ सच ड्यूरेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजुरियस टू ह्यूमन हेल्थ मींस हमर ए जो इंपैक्ट कला जो भी चेंजेस हला हमर एटमॉस्फेयर रे जे कोनोसी भी चेंजेस हला हमर एनवायरमेंट रे जे कोनोसी चेंजेस हला हमर एयर रे से सब जिंस कोन करिवो डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो हमर कोन करिवो ना लिविंग सब्सटेंसेस ऊपर हमर कोन पकेबो ना इंपैक्ट पकेबो बा हार्मफुल रखिवो ठीक अछि तो जो लिविंग सब्सटेंसेस हला हम कोन कहिथिले इकोसिस्टम आ डिस्कशन करथिले बायोटिक आ अबायोटिक सब्सटेंसेस हम डिस्कशन करथिले तो मु एमिति इनडायरेक्टली कहि परबी हार्मफुल फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंसेस कोन करिवो ना एयर पोल्यूशन हले क्लियर ये गला हमर डेफिनेशन पार्ट नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ना तर सोर्स केमिति रहू छ हमर केमिति हमें एयर पोल्यूट हो छ को हिसाब रे माने तर सोर्स कोन को जागर से सु जिंस इन्वॉल्व हो छि फर्स्ट हम देखि परिबा नेचुरल देखि परिबा और एल्स मैन मेड भी हमें कहि परिबा मींस हमें को हिसाब रे हमें ताको पोल्यूट करू छि मींस हमर ऑटोमोबाइल रहला बा हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हला हमें ग्रोथ करले हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हला तो से सब हिसाब रे त हमर कोन हला ना हमर मैन मेड एयर पोल्यूट हे चलिला क्लियर तो नेचुरली हमें देखिले हमें कोन कहि परिबा ना वोल्केनिक एरप्शन हो छि फॉरेस्ट फायर्स आसु छि ठीक अछि डस्ट स्टॉर्म आसु छि बैक्टीरिया हेगला अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेगला से माने कोन करछु ना डायरेक्टली से माने कोन करछु ना एनवायरमेंट को पोल्यूट करछु क्लियर ये गला हमर सोर्स नेचुरल आउ मैन मेड सोर्स
नेक्स्ट हमर अछि एयर पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट मु कोन कहिथिली ना जो जोथि पई हमर एयर पोल्यूस्ड होउछि ठीक अछि जोथि पई हमर एयर पोल्यूटेंट मींस कॉज ऑफ पोल्यूशन तमे त कोन कहले ना पोल्यूटेंट तो सी कॉज ऑफ एयर पोल्यूटेंट मींस कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट तार क्लासिफिकेशन केमिति रहउछि गोटे रहउछि प्राइमरी आ गोटे रहउछि सेकेंडरी प्राइमरी मींस जोटा कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहउछि कोथरे ना हमर एयर पोल्यूशन रे क्लियर अब नेक्स्ट आछि कोन सेकेंडरी सेकेंडरी टा कोन ना हमर प्राइमरी सहित मिसि कि जो पोल्यूट होउछि एनवायरमेंट बा एयर टा ताको हम कोन कहउछन्ति ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्लियर तो ये गला हमर प्राइमरी और सेकेंडरी ऊपर नेक्स्ट हमें देखियो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रो कोन-कोन हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा को कहबा ठीक अछि तो फर्स्ट आसुचि पार्टिकुलेट मैटर नेक्स्ट आसुचि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड ठीक अछि ए सब जिंस हमर कोन रहउछि ना ए पार्टिकुलर जिंस गुडा रहउछि हमर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पर से गुडा केमिति पोल्यूट करे एनवायरमेंट को से सब जिंस माने मींस माने डायरेक्टली एनवायरमेंट को पोल्यूट करंती सेति में हम त कोन कहले ना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नेक्स्ट हमर आछि कोन ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कोन ना सेकेंडरी पोल्यूशन आपण इमेज रे देखि परते मींस नेचुरल सोर्स हो बा हमर मैनमेड सोर्स हो से सब जिंस कोन होछि ना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर मिक्स हे कि से कोन करछि ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोवाइड करूछ बा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट होछि जोति पई कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमर कोन रहउछ ना ओजोन हमर डेफिनेटली रहउछ जोटा कि ओ3 हमे तक जो कहउछ से हमर प्राइमरी फंक्शन रहउछ हमर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स रे क्लियर नेक्स्ट हमर कोन आछ ने गोटे पैन आछ पेरी पेरोक्सी एसिटिलिन नाइट्रेट जोटा कि पैन हमे तक कहउछ से जिंस बे हमर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स रे आसीबो क्लियर तो ए सब जिंस हमर कोन लेना सेकेंडरी पोल्यूशन पई पोल्यूटेंट्स पे हमर कोन आसुची ना एसिड रेन आसुची ग्रीन हाउस इफेक्ट आसुची ग्रीन हाउस इफेक्ट हमर डायरेक्टली हमर का पई ना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पे हमर आसे जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमर मेन फंक्शन रखे जोटा कि हम आगु डिस्कशन करिबा आ सेकेंडरी पोल्यूशन एग्जांपल दउची एसिड रेन हमे जतले डिस्कशन करिबा से सब जिंस रे से एसिड रेन में हमें जो डिस्कशन करिबा एसिड रेन रे केमिति हमर होची मींस SO2 मींस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर बा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर मींस वाटर संगे रे मिसिला पर ही से जो अमाउंट बा से जो कंपाउंड तैयारी करची ता हमें कोन कहि गेले ना एसिड रेन बोले हमें ताको कहले ठीक अछि मींस दुटा फंक्शन रहला हमर कोन ना सल्फर डाइऑक्साइड आ ओटे कोन रहला नाइट्रेट बा नाइट्रोजन ऑक्साइड जा हमें कहू ठीक अछि से जिंस मिक्स हेला पर हमें तो कोन कहले ना एसिड रेन फॉर्मेशन होउची सो हमें जो देखिले एसिड रेन हमें जो डिस्कशन करले तो आकु हमें इन डेप्थ बुझिबा एसिड रेन टा कोन केमिति होउची से जिंसटा फर्स्ट तो ओवरली हमें देखिबा कोन फर्स्ट देखिबा हमें एसिड रेन को फर्स्ट डिस्कशन करिबा इन डेप्थ हमें ताको देखिबा एसिड रेन कोन रेन हमर नॉर्मली हमर केमिति रहउची ये हेला हमर कोन गोटे बादल रहला एटमॉस्फेयर रे ठीक अछि एटमॉस्फेयर हमर कोन रहला ना रेन ड्रॉप हमर पडिबो लैंड रे ठीक अछि ए जो रेन ड्रॉप फॉर्म हैला एसिड रेन मींस एसिडिक रेन भी मु ताको कहि परबी मींस रेन वाटर हमर जो रहउछ ए जो वाटर रहला मोर H2 रे आ भीतर कोन रहबो ना एसिड रो परिमाण टिके अधिक रहबो नॉर्मल हमर जो रेन वाटर रहउछ तार हमर आमे जदि पीएच देखिबा तले से पीएच टा हमर कोन रहे ना लेस देन 6 बाय इज इक्वल्स टू 6 हमर पीएच रहे ठीक अछि त ए जो पीएच वैल्यू मु 6 कहली कोन पई कहली काहेकि ना हमर नॉर्मल पीएच रो वैल्यू केते नॉर्मल पीएच रो वैल्यू हमर कोन आमे जानि छथि ना 7 जोटा कि तार लेस हैला माने 7 रु कम हैला माने आमे ताको कोन कहबा ना एसिड कहबा आ तार जदि 7 रु अधिक आउछ आमे ताको कोन कहबा ना बेस कहबा त सिमिलरली जो पीएच हमर होछि 6 भितरे नॉर्मल रेन वाटर रो पीएच जदि हमर ए जो आमे जो कहू एसिड रेन बा एसिडिक कंपाउंड आमे जहा कहू छथि एसिडिक कंपाउंड आमे जदि देखिबा डिस्कशन करिबा को कंपाउंड मिसिले हमर से जिंसटा एसिडिक हे जाउ छी रेन टा हम कहि परबि आमे जतले बर्न करू छथि फ्यूल को बर्निंग ऑफ फ्यूल तो से जगह रे आमे कोन पाउ छथि ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आमे हमर एमिट होउ छी नेक्स्ट हमर कोन आछि ना ऑक्साइड ऑफ सल्फर आउ नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड आउ हमर नाइट्रोजन ऑक्साइड हमर प्रेजेंट रहउछ एटमॉस्फेयर रे तो ए जो जिंचा को ए तीनटा रे को जिंस जत बेले हमर एटमॉस्फेयर रे मिसि जाउछ बादल रे ऐड हे जाउछ प्लस 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 जो ऐड हे जाउछ सत बेले से जो वाटर आसुछ तळु को जो आसुछ फॉर्म होउछ रेन ड्रॉप रे से कोन हे जाउछ ना एसिडिक रेन आमे ताको कहउछन मींस हमर एसिड कंपाउंड ता कोन हैला ना बादल भीतर ऐड हे कि वाटर सहित मिसि कि से कोन हैला ना फॉर्म हैला एसिडिक रेन त आमे ताको कोन कहि परियो से जो कंपाउंड फॉर्म होबो गोटा आसीबो HCO3 आ गोटा आसीबो
H2SO4 आ गोट आसीबो HNO3 ए जो तीनटा जक सब्सटेंसेस रहला ए तीनटा जक सब्सटेंसेस होछ कोन नामर एसिड रेन बामे ताको कोउछंती मींस एसिडिक कंपाउंड कहले क्लियर तो हमर ए जो जिंसडा फॉर्मेशन हला एसिड रेन हमें नॉर्मल हमें ताको कोन कोउछंती ना हमर ऑक्साइड्स ऑफ ना सल्फर आउ नाइट्रोजन हमें बेसिक डिस्कशन करछंती हमें जरो पढुछंती सेटा आपण जो जगह रे भी देखिबे से नॉर्मल लिखाइतिबो कोन ना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आउ नाइट्रोजन किंतु हमर ए जो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हमर जो आसुची से कोन आसुची ना कार्बन डाइऑक्साइड भी आसुची तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गोटे हमर एसिडिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होउची का संगे ना नॉर्मल वाटर संगे नॉर्मल रेन वाटर संगे देन हमें ताको कहि परिबा एसिड रेन हमें ताको फॉर्म करि परिबा क्लियर तो ए जो एसिड रेन आसुची आरो इफेक्ट कोन कोन रहबा हमर बॉडीज रे जोटा के हमर स्किन डिजीज हबो मोस्ट इंपोर्टेंट हमर कोन रहबा ना स्किन डिजीज हमर बाहरिबो क्लियर स्किन डिजीज रे हमें कोन कहि परिबा स्किन नॉर्मल स्किन डिजीज हमर जो होउची कोन पई होउची ना हमर ए बिकॉज ऑफ एसिड रेन अब हमें कहि परिबा नॉर्मल कैंसर भी हमें जदी कहिबा देखिबा गोटे टाइप रे हमर जदी कैंसर हमें कहि परिबा ह्यूमन प्लांट रे हो बा ह्यूमन बॉडीज रे हो कैंसर भी हमें पाइथौ से नॉर्मल बिकॉज ऑफ एसिड रेन भी हमें कहि परिबा क्लियर तो फर्स्ट गला हमर कोन आसी इफेक्ट आसी स्किन डिजीज आसुची नेक्स्ट हमर कोन आसी ना ह्यूमन बॉडीज ऊपर इफेक्ट कोन पकोची ना कैंसर पकोची काहे कि ना हमर जते बेले ह्यूमन बॉडीज जते रिसीव करूची एसिडिक वाटर टा से हमर कोन होची रेस्पिरेटरी सिस्टम भीतर को भी एंट्री करी परछु तो ता भीतर कोन होची ना हमर कैंसर भया महामारी डिजीज भी हमर हेई परछु तो ये गला ओवरऑल आईडिया ऑफ एसिड रेन नेक्स्ट हमें जीबा क्लास को क्लास रे हमें कोन कोन डिस्कशन करथले से जिंस देखिबा जी क्लियर तो पूर्व को हम डिस्कशन करबा कोना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ऊपर जो जिंस हम डिस्कशन करिनेली जोटा कि फोटोकेमिकल स्मॉग एंड ए मिक्सर ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्रांग सनलाइट टुगेदर ठीक अछि मींस सनलाइट प्लस से सब जिंस प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिक्स है कि वाटर मिक्स है कि से जो कंपाउंड तैयार करछो हम तो कोन कहउछंती ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हम तो कहउछंती क्लियर नेक्स्ट हम देखियो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट रे मु कोन कहितली ना कार्बन डाइऑक्साइड कथा कहितली जोटा कि प्रीडोमिनेंट कंपाउंड रहउची ग्रीन हाउस इफेक्ट रे क्लियर तो ए जे पूरा डेफिनेट प्रायर लिखाई छी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल्स आर बर्नड मींस हमर जते बेले फ्यूल छुडा को बर्न होउची से त हमर कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड होउची हमर ऑटोमोबाइल रे हमर कोन होउची ना हमर ऑटोमोबाइल रे हमर हाइड्रोजन ऑक्साइड जो जिंसडा बाहर उचित से जिंसडा हमर कोन फ्यूल संगे रे मिक्स होची फ्यूल जळिला फळ रे तो से जिंस हमर कोन कोचिन डायरेक्टली हमें स्मोक ता कोइ करचंदी फॉग प्लस हाइड्रोजन ता कमे जर कोचंदी मिक्स होचो ता कमे कोन कोचंदी ना स्मोक कोचंदी क्लियर से सब जिंस इतर रहबो ग्रीन हाउस इफेक्ट रे ठीक अछि से ग्रीन हाउस इफेक्ट रे अपन डायरेक्टली देखि परथे सन लेज आसेला मींस हमर ऑक्सीजन ओजोन लेयर हमर कोन होची ना डिफ्लेशन होची मींस हमर होल क्रिएट हे जाउची ओजोन लेयर तो से ओजोन लेयर जो होल क्रिएट हे जाउची से सब जिंस हमर कोन इंपैक्ट पकोची ना ग्रीन हाउस इफेक्ट रे हमर इंपैक्ट पकोची क्लियर सो हमें बे देखिबा कोन ना ग्रीन हाउस इफेक्ट जोडा के हम डिस्कशन कर ताको इन डेप्थ हमें एटी देखिबा ग्रीन हाउस इफेक्ट कोन कोन आसुची से हमर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें काकू कहि परियो ठीक अछि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो फर्स्ट मोड एग्जांपल दउची ग्रीन हाउस इफेक्ट रो हमें केमिस से जिंसडा बुझिबा आपण माने नर्सरी जाइथिबे नर्सरी रे कोन रहउची ना प्लांट रहउची से प्लांट गुडा का हमर गछ लगाउची गोटे हमर ओवरऑल बर्डन ताको दिया होची ता भीतर कोन ना गछ लागीची तो से गछ रे कोन होउची ना हमर जतरे सन रो जो हमर रेज आसुची से कोन होउची ना ता भीतर रही जाउची आ बाकी जो जिंस गुडा का स्कैटरिंग होउची किछ जिंस तो रिसीव करिनेला प्लांट आ बाकी जो गुडा का स्कैटर हैला से स्कैटरिंग गुडा का बाहर को जाई पारेनी ता भीतर रही जाय सो दैट से पोर्शन ता हमर कोन होय ना वार्म हे कि होय ठीक अछि तो जदि हमर वार्म हे कि रहला मींस हमर गछ गुडा का ठीक टाइम रे ग्रोथ हे पारला क्लियर किंतु ए जिंसर एक्सेस इफेक्ट हमर जत आसुची हमें त कोन कहउछंती ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहउछंती एक्सेस टा भलो न ठीक अछि तो सेति पई हमें जत ग्रीन हाउस देखिबा फर्स्ट हमें त केमिति बुझिबा सपोज हम पाखरे ये रहला कोन हमर ये रहला सन सन रो हमर जो भी रेज आसे ठीक अछि यूवी रेज आसे तो ताकु कोन कला अर्थ सरफेस हमर किछि जिंस रिसीव करनेला बा किछि जिंस अब्जर्व करनेला किछि जिंस अब्जर्व करनेला बट आउ किछि रेज कोन करे ना स्कैटर हे जाय मींस बिखरी की पळाए बाहर को से जो एटमॉस्फेयर को बाहर है से एटमॉस्फेयर रे कोन थाय ना ग्रीन हाउस कंपाउंड थाय मींस ग्रीन हाउस गैसेस रोंती कोन पे ग्रीन हाउस को जाय ग्रीन हाउस गैसेस
ग्रीन हाउस गैसेस हमें कौन कहेगा कहीं की कहेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस कहीं की ना से माने ये जो रेज हैला से माने ये रेज को एक्सेप्ट करंदी और से माने से रेज को रिसीव करके रखी दियंती और से माने कौन करंदी ना गोटे पूरा फुल लेयर गोटे से माने फॉर्म कर दियंती अर्थ रो चारि पटे और सेति पई कौन करे ना अर्थ रा हमरो वार्म कंडीशन रे रह जाय जदी एटा एक्सेस हैला ताले कौन आसे ताको हमें कौन कहबे ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें ताको कहउचंती एक्सेस ता ठीक अछि तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन हेगला ना मीथेन हेगला देन कार्बन डाइऑक्साइड हेगला जो जिनसडा के मो डिस्कशन करथिली कार्बन डाइऑक्साइड ता क्लास रे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होची कोन पाइना बर्निंग ऑफ फ्यूल फ्यूल हमें जरा बर्न करचो से जगह हमर कोन कार्बन डाइऑक्साइड बाहरची तो से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला मीथेन बाहरला ए सब जिनसो कोन करे आ नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ए सब जिनसो कोन करना रिसीव करने लका कोना से यूवी रेज को से माने रिसीव करने ले पास जो वार्मर पोजीशन को से माने रिसीव करने ले रिसीव कर सला पर से माने कोन करले गोटे लेयर फॉर्म कर देले अर्थ रो चारि पटे तो से जो लेयर फॉर्म हे गेल अर्थ रो चारि पटे ता फल कोन रहला ना अर्थ सरफेस ता हमर कोन रहला ना वार्म रहला तो से जो गरम रहला मींस अर्थ सरफेस ता सबले गरम हे के रहला जदी गरम हे के रहला ए जिनसोटा जदी ए जो गैस रो इफेक्ट जदि हमर एक्सेस हे जीवो जदि गैस रो इफेक्ट हमर एक्सेस हे जीवो देन से जिनसोटा कोन करिवो ना से जिनसोटा अर्थ पई जमा भी भलो नो मींस अर्थ रा सब बेले अधिक एक्सेस वार्म हे की रहिवो जो जिनसोटा की हम पई हमें ताको कोन कहिले ना एक्सेस वार्म जदि हे गेला हमें ताको कोन कहउचंती ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें ताको कहउचंती इफेक्ट को हमें कोन कहिले ना ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सबुड बेस्ट एग्जांपल हमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखचंती बेस्ट एग्जांपल होची नर्सरी जदि तमे नर्सरी जाई ना तबे नर्सरी जाई के देखि केसो पार्क माने करे भी बहुत जगह से माने जो गछ लगाउचंती से माने गोटे होल अमाउंट रो रखुचंती सो दैट एमिति गोटे प्लांट लगेबे से माने जो भी प्लांट लगेबे से जिनसोडा से माने एमिति गोटे कवर करिक रखंती ए जो कवर करिक रखंती आ भीतर कोन रोए ना आ भीतर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट रोए तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट रहे से कौन करे ना जहां भी सन रेज रो आसुची तो से जिंस ये रिसीव करे बट आ भीतर स्कैटर करके बाहर को जाई पारे नी तो जदि जाई पारे नी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रहले से ग्रीन हाउस गैसेस ता को रिसीव करंती सो दैट प्लांट रो ग्रोथ बहुत इजीली हे पारे बा गोटे सिस्टमैटिक वे रे हे पारे जदि ये जिंसडा एक्सेस होउची देन खराब जदि ये जिंसडा न भी रहउची जदि हमर ग्रीन हाउस न भी लगउचै तले कोन हबो ना हमर रीजन टा कोन हिजो ना कोल्ड रीजन हिजो जदी कोल्ड रीजन हिजो देन हमकु सर्वाइव रे बहुत ही प्रॉब्लम होबो तो ए जिनसोटा ग्रीन हाउस इफेक्ट टा सति की इंपोर्टेंस रखे जमीते हमर एसिड रेन इंपोर्टेंस रखु देला क्लियर द नेक्स्ट हमें जबा क्लास को द नेक्स्ट हमें देखियो ए जो जिनसो पहिले ओजोन लेयर डिफ्लेशन से ओजोन लेयर डिफ्लेशन रे हमर कोन क्लोरो फ्लोरो कार्बन हमर कोन होची ना जनरेट होची बा हीट होची हीट एक हमर कोन आसी ना हमर होल क्रिएट कर दोची कोथरे ना ऑक्सीजन लेयर रे ठीक अछि एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन लेयर हमर होल क्रिएट हे जाउची तो हमे एटी डिटेल्स रे हमे वर्तमान बुझिबे कोन ना ओजोन लेयर डिप्लीशन हमर कोन रहउची हमे से जिनसोडा को इन डिटेल हमे वर्तमान जिबा ओजोन लेयर डिप्लीशन तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो रहला फर्स्ट हमें बुझिबा ए ओजोन कोन ओजोन मुझे दी गोटे नॉर्मल टर्म रे कहबे इट गोटे पॉइजन गैस हम कहि परबे जोटा के हमें डिनोट कर कोथरे ना ओ3 रे ठीक अछि ए जिंस हमर केमिति फॉर्म होए हमर मु कोन कहली ना हमर सन रो हमर कोन आसे ना यूवी रेज हमर आसे तो जो यूवी रेज हमर आसीला यूवी रेज हमर कोन एटमॉस्फेयर रे अछि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे एटा हमर कोन होला एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर हमर कोन रहला ना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहला ए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहला से कोन करे ना यूवी रेज संगे रे यूवी रेज फॉर रे कोन करे ना से स्प्लिट हे जाय मींस ऑक्सीजन टा कोन होय ना स्प्लिट हे जाय तो ए जो स्प्लिट हे जाय ए जो ऑक्सीजन एटम जो दीटा फॉर्म हे गला सेथिरे कोन आसीबो ना अगेन हमर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन अछि पुन आ भी जो गोटे एटम कोन आसीबो अगेन ऑक्सीजन संगे रे मिसी की से कोन फॉर्म करिवो ना ओजोन फॉर्म करिवो क्लियर ए जो ओजोन लेयर फॉर्म कला ये कौन रे ना फर्स्ट हमर एटमॉस्फेयर रे हमें डिस्कशन करितबा एनवायरनमेंट रे अपन माने जानिथिबे कि फर्स्ट हमर कौन रहला ट्रोपोस्फीयर रहला देन हमर स्ट्रेटोस्फीयर रहला जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर लेयर रे हमर कौन आसे ना गोटे हमर ओजोन लेयर प्रेजेंट हुए ए जगह हमर कौन रे ना ओजोन लेयर प्रेजेंट हुए तो ये जो ओजोन लेयर हम फर्स्ट देखे हमें ओजोन देखिले देन हमें देखिबा ओजोन लेयर तो ये जो ओजोन लेयर हमें देखिले से ओजोन लेयर हम कौन करे ना प्रोटेक्ट करे यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ सरफेस ऊपर
पढ़ा डायरेक्टली आमको से जिनसा कौन करे ना प्रोटेक्ट करे तो से जो प्रोटेक्शन आमको मिलगला ओजन लेयर पे जदि ओजन लेयर ही खराब होमको कौन हम डायरेक्ट यूवी रेज कौटे आँचब ना आटमोस्फियर पहुंचे आटमोस्फियर डायरेक्ट यूवी रेज पहुंचला मैंने डायरेक्टली आमको आम हार्मफुल रहा लिविंग नॉन लिविंग सब्सटेंसेस बायोटिक अबायोटिक सब्सटेंसेस बहुत ही हार्मफुल हम कौन टा ना यूवी रेजटा तो कौन है ना फर्स्ट आम देखा कौन कर जो ओजन लेयर डिप्लीशन आम देखिए ओजन लेयर तो देखने कौन ना प्रोटेक्टिव लेयर आम रही है गोटे कौन ना यूवी रेज रु प्रोटेक्शन करुच्छे नेक्स्ट आम देखिए डिप्लीशन आम से जो डिप्लीशन हो कौन कहीं हो कहीं आम मैंने जो यूज करें इंडस्ट्री ग्रोथ रोचे सब रोचे आम बर्तमान धीरे धीरे बढ़ाक लगुं से आम जो डेवलप करुँचे आम कौन यूज कर रेफ्रिजरेटर यूज कर एसी यूज करेविंग क्रीम यूज कर सब जिनस गोटे बाहर गोटे जिनस कौन आम कंपाउंड बाहर गोटे कौन क्लोरो फ्लोरो कार्बन आम बाहर ठीक अच्छे जो थे कि आम क्लोरीन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखे आगे बहुत क्लोरीन अमाउंट बहुत ही अधिकार रुए और ये क्लोरीन कौन करे बहुत हल्का है से कौन करे ना आटमोस्फियर ऊपरको आसी जाए तो जब आटमोस्फियर ऊपरको आसी जाए देन से क्लोरीन कौन करे ना से ऑक्सीजन संगे आड है कि से कौन करे ना सीएल क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन ऐड हो जाए ऑक्सीजन ऐड हो से गोटे न्यू कंपाउंड फॉर्म करे दिए सो दैट कौन हुए ना हमारे ओजन टा आम ब्रेक हो जाए ठीक अच्छे ओ थ्री टा आम ब्रेक हो जाए जो ओ थ्री आम ब्रेक हो जाए से ब्रेक को आम कौन कहले ना आम देखिपर ये जो होल आम गोटे गोटे क्रिएट हो जाए जोटा कि आंटार्कटिक रीजन आंटार्कटिका रीजन उपर ओजन लेयर बहुत ही थीन हो जाए तो थीन हो फल कौन ना डायरेक्ट यूवी रेज आम कौन कर डायरेक्ट आटमोस्फियर उपर पकेब डायरेक्ट आर्थ सरफेस आर्ट कर यूवी रेजटा तो से आम कौन चाहते आम के चाहबानी कि आम ओजन लेयर टा कमी जाए ओजन लेयर डिप्लीशन आम हो ठीक अच्छे जदि एयर पल्यूशन होन आम एयर पल्यूशन मीनस एयर में कौन हम जब क्लोरीन अमाउंट आम जब बढ़े दूसरी सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन आम जो रेफ्रिजरेटर यूज कले सेविंग क्रीम यूज कर एसी यूज कर सब जिस यूज कर क्लोरोफ्लोरो कार्बन एमिट हो क्लोरोफ्लोरो कार्बन में कौन रोचे क्लोरीन गोटे कंपाउंड रोचे से कंपाउंड बहुत हल्का से कौन करे ना आटमोस्फियर को बहुत इजिली से अटैक करे और जब अटैक कर ऑक्सीजन संगे फॉर्म होगी से न्यू कंपाउंड फॉर्म कर दिए सो दैट आम ओजन आउ फॉर्म हो पारे जदि आम ओजन फॉर्म न हुए तो से कौन हुए ना आम ओजन लेयर में आम कौन हुए ना आम होल देखा मिले से जो होल आम कहते जो डिस्कशन कले क्लास ओजन लेयर जो होल प्रोवाइड होती से होल्स को आम कौन कहते ना ओजन लेयर डिप्लीशन आम कहते क्लीयर तो नेक्स्ट जी क्लास को फाइन नेक्स्ट आम देखा कौन कौन इफेक्ट रोचे एयर पल्यूशन में कौन कौन इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट आम कौन देखा ना रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मीन्स जो आम बॉडी जो आम ऑक्सीजन कैरी करुचे तो से कैरी कर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कमे मीनस एनवायरमेंट ही पल्यूट अच्छी तो आम कौन करा आम गोटे बाटर जाऊे बहुत ही मीनस पूरा आटमोस्फियर खराब होयर पूरा पल्यूट हो जगह आम कौन कर निश्वास प्रश्वास नारे आमको प्रोब्लेम हम जदि भी आम निश्वास नहीं सारे से जिस कौन कर इंटरनाली गला पल्यूट एयर आम इंटरनाली गला इंटरनाली गला मीन से जगह कौन आसो ना आम डिक्रीज हो विजन रे नेक्स्ट आम लंग्स प्रोब्लेम हम रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम हम ठीक अच्छे मीनस प्रीमैच्योर डेथ भी हो पाए तो एमती डिफरेंट डिफरेंट आम प्रोब्लेम क्रिएट हो पाए जोटा कि रोज कौन ना इफेक्ट अफ एयर पल्यूशन आम देखा फाइन देन आम इफेक्ट ऑन प्लांट्स आम प्लांट ये तो देखिले आम बायोटिक सब्सटेंसेस ऊपर बा लिविंग सब्सटेंसेस ऊपर आम देखिले बट नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आम जो प्लांट कथा आम जो डिस्कशन करुचे से प्लांट रे आम कौन रोज फोकस क्लियर प्लांट रे कौन कहीपर को इफेक्ट आम रही पार मीन आप देखिपर इमेज डायरेक्टली देखिपुर इमेज में शो होती मीनस गोटे पूरा परफेक्टली ग्रीन लिफ आप देखिपे आउ बाकी गोटे जिन एनवायरमेंट पल्यूट हो जो लिफ अच्छी से कमी तार स्ट्रक्चर कमी चेंज हो जाए ठीक अच्छे तो यही हिसाब से इफेक्ट पकाए आम कौन प्लांट्स जोटा कि एग्रीकल्चर फील्ड उपर बहुत ही इंपैक्ट पकाए आम एनवायरमेंटा फाइन तो क्लियर ये गला आम प्लांट उपर इफेक्ट गला एयर पल्यूशन रो नेक्स्ट आम एयर पल्यूशन कंट्रोल आम कमी कर एयर पल्यूशन कंट्रोल आम कम कर गोटे मेथड रोचे प्रिवेंटिव मीनस आम सोर्स रु ही आम चेंज करदे जिनसा जब आम सोर्स को चेंज कर दौंस सोर्स को किसी मोडिफाई कर दौंस देन आम कौन हो ना एयर पल्यूशन कंट्रोल हो पार और सेकेंड रोचे ना कंट्रोल मेजर्स यूजिंग इक्विपमेंट्स आम जब इक्विपमेंट्स किसी यूज करके एयर पल्यूशन को कंट्रोल करें कहीपर कंट्रोल मेजर्स यूजिंग इक्विपमेंट ठीक अच्छे आप डायरेक्टली देखिपे प्रिवेंटिव
मेजर्स कौन रोच सोर्स मेथड रोच जोटा कि सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल फ्यूल डायरेक्टली बायोडीजल भी यूज कर जगह ठीक अच्छे नेचुरल फ्यूल यूज कर जो जगह कोल हर के यूज कर सब जिनमें अवॉइड कर क्लीयर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आम यूज कर एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन हो ड्यू टू ऑटोमोबाइल क्लियर नेक्स्ट आज मॉडिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे डायरेक्टली सोर्स को चेंज करते कौन कही जगह कि आम डायरेक्टली प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं एयर पॉल्यूशन क्लियर तो नेक्स्ट आ सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल साइट एंड जॉइनिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट ठीक है अच्छे सुइटेबल साइट आम देखुच्चे सुइटेबल साइट को फॉलो कर जो जगह कि आम देखिपर कि ना हाँ आम ये जगह इंडस्ट्री गोटे सेटअप कर तो से जगह आम जो पल्यूट हम एयर एनवायरमेंट आम लोक पहुंचे दबानी लोक जिन पहुंच पार्बनी से सब जिन मेजर जिन कंट्रोल कर डायरेक्टली तो कंट्रोल मेजर्स कौन आना सोर्स कंट्रोल जो पॉसिबल ही न था जदि आम सोर्स कंट्रोल को आम पॉसिबल न करते जगह कौन करवा किसी गोटे इक्विपमेंट आम यूज करने कलेक्टिंग पल्यूटेंट्स यूजिंग इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉइंग द पल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन और चेंजिंग द पल्यूटेंट्स टू लेस टॉक्सिक फॉर्म जोटा कि बहुत ही टॉक्सिक रोच मीन्स जोटी की क्षतिकारक रोच जो जिन गुड़ाक जिनस को आम लेस टॉक्सिक हिसाब से यूज करवर्ट कर यूज कर सो आज क्लास कौन देखिले ना एयर पॉल्यूशन पर देखिले जोटा कि फास्ट क्लास जो फास्ट डिस्कशन कले कौन ना पॉल्यूशन कौन तापर आम डिस्कशन कले पॉल्यूटेंट्स कौन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल रहा क्लियर तापर आम आसे फास्ट टॉपिक आम देखिले एयर पॉल्यूशन कहीं फास्ट तो आम कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट है मीनस फास्ट एयर ही पॉल्यूट हम एयर पॉल्यूट हम मीनस कौन कौन एयर पॉल्यूशन आम कौन कौन देखिले एसिड रेन देखिले ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिले से सब जिन जोड़ा कि दुटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एसिड रेन रे आम केमिता टैकल करवा ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रे आम कौन करुछि ना कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर संगे कॉम्बिनेशन से जिन एसिड रेन फॉर्मेशन होउछि नेक्स्ट आम देखिले ग्रीन हाउस इफेक्ट रे कौन देखिले ना कार्बन डाइऑक्साइड देखिले कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा कि प्रीडोमिनेंट फैक्टर रोचे देन ओजोन लेयर डिप्लीशन देखिले ठीक अच्छे तार इफेक्ट कौन कौन रोच ह्यूमन बॉडीज उपर हैला बा प्लांट उपर हैला कौन कौन इफेक्ट पकोउछि क्लियर तो नेक्स्ट आम देखिले कंट्रोल मेजर्स प्रिवेंटिव आम के यूज कर डायरेक्ट आम सोर्स को चेंज कर कंट्रोल मेजर्स यूजिंग इक्विपमेंट आम केमी कंट्रोल कर क्लियर तो आज क्लास में बहुत ही इंपोर्टेंट जिस डिस्कशन जोटा कि एयर पॉल्यूशन रोच बहुत ही क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन फॉर्म हुए से फॉर्म आम कोर्स मेटेरियल मो कोर्स मेटेरियल आप फॉलो करेंगे ईच एंड एवरी जिन डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन आसो पॉइंट वाइज ही मो कोर्स मेटेरियल फॉलो अच्छी तो आप जिन डायरेक्टली आप कोर्स मेटेरियल क्लियर थैंक यू।